राज, आज वो दिन आ गया जब प्रियंका और निक एक दूसरे को आई डू कहेंगे। बिल्कुल, आई डू यानी कबूल है उन दोनों को ये शादी, ये रिश्ता। इतने लंबे वक्त से वो दोनों इंतजार कर रहे थे, वो ही नहीं बल्कि फैंस पूरी का पूरा बॉलीवुड, पूरी का पूरा हिंदुस्तान एक तरीके से इस दिन का वेट कर रहा था। इंटरनेशनल लेवल पे भी। एग्जैक्टली, और खास बात ये है कि एक बार नहीं, उनको दो बार यानी बैक टू बैक दो दो शादियां होंगी, जिसमें अलग एक दिन, आज के दिन, 1 तारीख के दिन बिल्कुल अंग्रेजी रीति रिवाजों से उनकी शादी होगी, और कल के दिन, कल का दिन काफी खास है क्योंकि कल गाजे बाजे के साथ निक एंट्री लेंगे, साफा पहनेंगे, प्रियंका दुल्हन के लिबास में होगी और वो शादी के बंधन में बंधे। मैं तो आज का दिन लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि एक कैथलिक शादी होगी और हमने आप तक पहुँचाई है कुछ खास तस्वीरें जो वाइट शिफॉन के का जो सजावट है वो बहुत खूबसूरत है। राज, जो आप बताएंगे। जी, वो काफ़ी मुश्किल से, बिकॉज जैसा हमने दर्शकों को पहले भी बताया कि सिक्योरिटी बहुत टाइट है, लेकिन फिर भी किसी तरीके से हमने वहाँ की पिक्चर्स वहाँ से हमने मैनेज किए हैं, हमने वहाँ से प्राप्त किए हैं, क्योंकि आज कैथलिक वेडिंग है और कैथलिक वेडिंग में मोस्टली जो बैकग्राउंड रखा जाता है वो वाइट उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, जैसे हिंदुओं की शादियों में लाल लाल रखा रंग जाता का है। इस्तेमाल है। तो प्रियंका वाइट कलर की गाउन में ही आएंगी, ऐसा हमें अभी तक पता चला है, और निक जो फॉर्मल्स होते हैं जो शादी के दिन पहना जाता है उसके अंदर आएंगे। और सबसे खास बात यह है कि इससे पहले वो दोनों फोटोशूट करवाने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आज की जो वेडिंग है वो प्रियंका की खास दोस्त अनुष्का, उसको अनुष्का उसको मॉडरेट करने वाली हैं क्योंकि अनुष्का जो है वो काफ़ी अरसे से, मतलब प्रियंका के अगर इंस्टाग्राम देखें तो मतलब वो बिल्कुल। लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो आज का दिन जो है वो उनके नाम है। तो और क्या कुछ होगा राज? 3 बजे के आसपास का वक्त बताया जा रहा है क्योंकि पहले 12 बजे का वक्त था, लेकिन बहुत सारे गेस्ट जो हैं वो नेशनली इंटरनेशनली यहाँ पर आ रहे हैं। हम इस वक्त मुंबई एयरपोर्ट पर खड़े हैं। थोड़ी देर पहले राज मैंने देखा यहाँ पर एलिजाबेथ आई जी, हैं वो जो आएंगे। प्रियंका की दोस्त हैं और वो अपने बच्चे के साथ यहाँ पर आई हैं। तो ऐसे अभी और इंतजार हो रहा है कि बहुत सारे गेस्ट आएंगे। ईशा अंबानी कल आई हैं अपने पूरे परिवार के साथ, ईशा यहाँ रुक गई हैं, मुकेश अंबानी अपने पति के साथ वापस चले गए हैं, जबकि 2 दिन बाद उनकी भी शादी की उनकी रस्में भी शुरू होने वाली शादी है। है जी। तो 3 बजे क्या होगा? 3 बजे ये होगा कि जो निक के पिताजी हैं वो प्रियंका का हाथ निक के हाथों में देने वाले हैं, यानी कि अगर इंडियन ट्रेडिशन, हिंदुस्तानी रीति रिवाजों से बात करें तो जो कन्यादान होता है वो कन्यादान इस बार निक जो हैं वो करने, निक के पिताजी जो हैं क्या वो बात है। प्रियंका का कन्यादान करने वाले हैं, यानी वो अपनी बहू का हाथ अपने बेटे के हाथ में सौंपने वाले और हैं। शायद हाँ सीनियर जोनस जी जो करने वाले वो खास मैसेज भी शायद देने वाले जी हैं। इसमें क्योंकि कैथलिक वेडिंग्स में स्पीच बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, इसके जरिए वो पूरी फैमिली दूल्हा और दुल्हन को अपना आशीर्वाद देती है, तो स्पीच का मतलब वो अपने अंदर का जितना भी प्यार है उन दूल्हा दुल्हन के ऊपर लुटाते हैं। अगर कल रात की बात करें, संगीत संगीत बहुत एसेंशियल होता है इंडियन वेडिंग्स में, और निक जो है वो अभी पूरी तरह से भारतीय हो चुके हैं हमें लगता है क्योंकि बहुत सारे फंक्शंस हो गए। तो कल रात की अगर बात करें, संगीत में बहुत सारे फिल्मी गाने बज रहे थे, बहुत देर तक होता रहा, संगीत का वक्त जो है वो काफ़ी डीले हो चुका था क्योंकि जैसा हमने बताया कि ईशा बहुत देर से आई, तो ऐसे में संगीत का वक्त थोड़ा सा डिले हुआ था, बहुत देर रात तक होती रही और आतिशबाजियां भी वहां जी पर काफी हमें देखने को मिला क्योंकि उम्मेद भवन जो है वो बहुत खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत है, और इसकी खूबसूरती कल और ज़्यादा बढ़ने वाली है। उसका रीज़न यह है कि कल जब इंडियन रीति रिवाजों के साथ शादी हो जाएगी, उसके बाद वहाँ पर तैयारियाँ हुई हैं कि उम्मेद भवन को प्रियंका और निक के रंग में ढाल दिया जाए। एक स्पेशल लाइट एंड साउंड शो तैयार किया जा रहा है, जहाँ पर हमें अभी तक ये पता चला है कि शादी के बिल्कुल बाद यानी रात को 9 बजे के आसपास पूरा उम्मेद भवन लाइट एंड साउंड शो वो देखने देखने लायक लगा होगा है। और हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। राज, अब हमें रुख करना पड़ेगा उम्मेद भवन की तरफ क्योंकि हम देख सकते हैं मीडिया वापस गई है, कोई ना कोई सेलिब्रिटीज जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, बिल्कुल, तो चलिए चलते हैं। चलिए, लेट्स गो। यहाँ पर देश विदेश से मीडिया जो है यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर तो लोग इस शादी को लेकर के बहुत ही उत्साहित हैं। साथ में अगर हम बात करें, जेड इफ आई कैन जस्ट टॉक टू यू, श्योर, जेड आए हैं अमेरिका से, फ्रॉम लंदन। ओके, लंदन से आए हैं और 3 दिन से तो ये यहाँ पर मौजूद हैं। जेड, टेल मी हाउ एक्साइटेड यू ऑल आर लाइक एज एन इंटरनेशनल मीडिया। वेल, आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेट टू कम टू इंडिया टू एक्सपीरियंस इंडिया एंड जोधपुर, एंड देन आई गेट टू सी सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल साइट्स एंड टू कवर
a very beautiful royal wedding. जेड को ये जगह तो बहुत खूबसूरत लग ही रहा है, लेकिन जेड ये भी बता रहे हैं कि इस शादी को लेकर के वहां पर भी इंटरनेशनली भी काफी उत्सुकता है. हाउ एक्साइटेड इंटरनेशनली दिस वेडिंग इज लाइक. For all the publications in England and America and around the world, they will publish all the pictures. They're very excited. They'll write about the wedding. You have many publications. It's big interest, massive. Very big. उमेद भवन जो है वो यहाँ पर बहुत उमेद भवन यहाँ की प्रॉपर्टी है, यहाँ की सौगात है. तो इसका जो दायरा है वो इंटरनेशनली कितना बढ़ने वाला है, जेड हमें बता रहे थे अभी. आफ्टर दिस वेडिंग डू यू थिंक दैट दिस प्लेस इज गोइंग टू बी अ डेस्टिनेशन वेडिंग फॉर other actors as well in internationally? Definitely. I think Jodhpur is on the map now. People will know about Jodhpur. People in America will come. People will have weddings at the same palace. People have the money, so they'll spend it. थैंक यू सो मच जेड एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर कवरेज. जेड बता रहे थे कि अब जोधपुर जो है वो इंटरनेशनल मैप पे और भी बहुत प्रोमिनेंट हो जाएगा, क्योंकि ये जो शादी है वो दो क्रॉस कल्चर शादी है और लोग बड़े ही एक्साइटेड हैं यहाँ पर भी और विदेश में भी कि किस तरीके से भारतीय जो कस्टम्स हैं उसका मिलन जो है वो अंग्रेजी तरीके से भी किया जा रहा है और दोनों को बहुत ही बैलेंस तरीके से किया जा रहा है. ज्योता मित्रा सुवर्णा, एबीपी न्यूज, जोधपुर. ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे.